आज आपने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन है काफी दिन से चल रहा है, कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन हो गए? क्या मांगे आपकी? हमारी तो सिर्फ दो मांगे हैं कि 2018 में सरकार ने घोषणा की थी कि वर्कर्स को 1500 रुपए और हेल्पर्स को 750 रुपए बढ़ाया जाएगा, तो वो अब तक नहीं बढ़ाए, सिर्फ कह दिया, दिए नहीं। हम कोई उनसे, हमने नहीं कहा था कि उनको अनाउंस करो, जब उन्होंने अनाउंस किया तो देना चाहिए। जब आज बाप अपने बेटे को कह के जाता सुबह घर से कि शाम को मैं ये चीज सुबह ये लेके आऊंगा और बच्चा ना लाए तो बच्चा जिद करता है ना कि ये चीज आनी चाहिए थी। फिर हम तो बड़े हैं, हमें भी तो चाहिए ना। जब उसने कहा, 4 साल हो गए इंतजार करते करते और इसलिए हम मजबूरी में बैठे हैं। इतनी सर्दी के बावजूद भी, इतनी बीमार भी हो रही हैं हमारी वर्कर हेल्पर, फिर भी धरने पे अड़ी बैठी हैं। और एक उनका ये था कि उन्होंने हमें कहा था कि कुशल और अर्धकुशल, वो भी अभी तक नहीं लागू। मन की बात में बोला था। आज कितनी संख्या में आप सभी ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक तो हम बैठे हैं। हमारा पूरा सडोरा ब्लॉक है। धरना प्रदर्शन जारी है काफी दिनों से, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसे है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का की हड़ताल जो चले आज 51 बजे में पहुंच गए और ये कोई नई मांग नहीं है इनकी। 2018 में जो सरकार ने समझौता किया था, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था मन की बात में कि आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए ये हम बढ़ा के देंगे। और विधानसभा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि हम आंगनवाड़ी की वर्कर को कुशल का दर्जा और हेल्पर को अर्ध कुशल का दर्जा देंगे। ये वही मांग कर रही है, कोई नई मांग नहीं है इनकी। ये सिर्फ ये कह रही है सरकार ये बताई है, तो हमने अपने मुंह से ये बात ना कही हो, अपने आप वादे से की है। अगर सरकार ने ये बात अपने मुंह से नहीं कही तो जैसे विधानसभा में जाकर के उसने कहा था, ऐसे लोगों के सामने आकर के कह दे, जैसे कह रहा कि मैंने आवेश में आके ये घोषणा कर दी थी, आवेश में आके ये घोषणा भी कर दे कि मैंने ये घोषणा आवेश में कर दी थी, मैं उनको लागू नहीं कर सकता। फिर जनता के बीच में बता दे, हमें क्यों बरगला रहे हो? दूसरी बात, हमें कह रहे हैं कि ये तो आंगनवाड़ी वर्कर तो बरगलाई हुई है दूसरी पार्टियों की, विपक्ष की बरगलाई हुई है। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष की बरगलाई हुई नहीं है, आपकी बरगलाई हुई है। आप हमसे सबसे ज्यादा बरगला रहे हो, प्रधानमंत्री बरगला रहा, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बरगला रहा। जब आप खुद ही, आपको ये यकीन नहीं है कि हमने ये बात कही थी या नहीं कही थी, कैसे कही थी कैसे नहीं कही थी। अगर आपने आवेश में कही थी तो वो बात आप ही लोगों को बीच में बता दो आ रही। अगर आपने कही कि हम ये काम करेंगे तो उसको कर दो, हड़ताल तो हम आज भी खत्म करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई शौक थोड़ी है, यहाँ ये मजबूरी है। सर्दी में, पाले में, धुंध में ये बहनें बैठती हैं हर रोज आकर के,
और इस सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं है और ढोंग करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा नारे का। तो हमारा कहना यह है, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को बुला करके उनसे बातचीत की जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए, अन्यथा ये हड़ताल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की सीटों की बनकर के ना रह करके ये रिटायर कर्मचारी संघ की, सर्व कर्मचारी संघ की, सभी विभागों की हड़ताल बने। आज आपने व आपके संगठन रिटायर कर्मचारी संघ ने आज इनको समर्थन दिया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आप भी इनके साथ आगे, जैसे इनके जो धरने अभी तक चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे, तो आप इनका पूरा सहयोग करेंगे? जी हाँ, ये एक हफ्ते के दो तारीख तक इनका यही प्रोग्राम है, इन्होंने एक जगह नहीं बैठना है। जो प्रदेश से इनका ऐलान हुआ, इन्होंने हर रोज किसी न किसी रूट के ऊपर जनता के बीच में उन्होंने जुलूस निकालना है और उसमें हमने कल मीटिंग करके हर रोज एक डिपार्टमेंट इनके साथ आएगा, इनके समर्थन के लिए इनके साथ साथ इनके जुलूस में जाएगा। 2018 के समझौते को लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2018 के समझौते को लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डायर कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डायर कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बातरी करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काय के मुकरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काय के मुकरा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, सीएमपीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात नहीं करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहा के मुकरा कहाँ पर प्रदर्शन को लेकर कहाँ पर जा रहे हैं? हम 12 बाजार पूरे बाजार में घूमेंगे और सरकार की जितनी भी नीतियां सारी सब लोगों को बताएंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जो है 51 दिन से हड़ताल पे बैठी हुई है और ये कोई नई मांग नहीं कर रही, नई मांग नहीं है। 2018 में सीएम साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको कुशल और अकुशल का दर्जा देंगे और फिर दोबारा पीएम साहब ने सितंबर 2018 में हमारे साथ मन की बात की थी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के कि हम आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रूपए और हेल्पर को 750 रूपए दिवाली का तोहफा देंगे मानदेय में बढ़ोतरी करके। हमें आज तक सरकार ने कुछ नहीं लागू किया और हम 51 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार हमारी कोई सूद नहीं ले रही और आज हमारे साथी सर्व कर्मचारी संघ हमारे समर्थन में आए। हम पूरे सरकार की निंदा करते हैं, ऐसी सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को माने, अपने झूठे वादों को पूरा करे। इससे आगे हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, नहीं दे सकता तो स्क्रीन पे आके बोलते कि हम नहीं दे सकते, दे नहीं सकते, नहीं दे सकता तो ये घोषणा कर ले विधानसभा में बैठ के कि मैं नहीं दे सकता। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।